तो नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में क्या बोला गया, एन बाई पी का रेशियो निकाला गया और एन बाई पी का रेशियो कितना आया, अगर 1 के आसपास आता है तो हम उसको स्टेबल मानेंगे और 1.5 से ज्यादा आएगा तो उसको हम अनस्टेबल मानेंगे और उसको हम रेडियो एक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट लिखना। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ एन बाई पी रेशियो अप्रोक्स इक्वल टू 1, इफ एन बाई पी रेशियो approximately equal to 1 is found to be stable. Next point likhna, when n by p ratio is greater than 1.5, if n by p ratio is greater than 1.5, if n by p ratio greater than 1.5, then nucleus become unstable and radioactive. Next point likhna, on increasing atomic number the number of neutron more increase as compared to proton, आगे लिखना, atomic number above 83, there is more difference between proton and neutron. Hence, most of the element are radioactive. Hence, most of the element are radioactive. अगर हम ऐसे देखें एटॉमिक नंबर, अगर हम स्टार्टिंग में 1 से 20 तक बात करें तो लगभग क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे यहां पर देखो जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है कैल्शियम के केस में, लेकिन यूरेनियम एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, इस केस में प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, जस्ट डबल के बराबर नहीं है, डबल से भी ज्यादा है। हम अक्सर ऐसे बोलते हैं कि जस्ट डबल, उसका मास डबल होता है, यार डबल नहीं है मास, डबल से भी ज्यादा है। तो इस केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होंगे, समझ में आया क्या? तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि डबल होगा मास, और मास याद करने की जरूरत नहीं, जितना मास हमें याद है उतना ही चलेगा। तो ऐसा मान लिया गया कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है 1.5 से ज्यादा आ गया, इसलिए यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल माना जाता है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो लगभग 1 आता है, इसलिए स्टेबल माना जाता है। ये दोनों एग्जांपल राइट डाउन कर लेना, ये मतलब ऐसा कंसेप्ट बोला गया। अब ये नहीं कि हर एलिमेंट ऐसा आएगा तो हम रेडियो एक्टिव बोल देंगे, नहीं। तो बताओ लैंथेनाइट सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, लैंथेनाइट सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट आता है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था,
प्राइम मिनिस्टर प्रोमिथियम पीएम केवल प्रोमिथियम होता है रेडियो एक्टिव। तो लेंथेनाइट सीरीज में प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव होता है, एक्टिनाइट सीरीज में एक्टिनाइट में सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्टिनाइट में सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा ग्रुप नंबर वन में कौन रेडियो एक्टिव होता है? ग्रुप नंबर वन में कौन रेडियो एक्टिव होता है? फ्रेंसियम। ग्रुप नंबर टू में रेडियम होता है। इनर्ट गैस में कौन रेडियो एक्टिव होता है? इनर्ट गैस में ग्रुप 18 में कौन होता है? रेडॉन और उसके 118 वाला। 118 का नाम कैसे लिखेंगे? अन ऑक्टिनियम। लास्ट में ईयम लगा देंगे। तो ये दो ये रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनाइड में कौन होगा? केवल प्रोमिथियम पीएम। लेंथेनाइड में केवल प्रोमिथियम होता है और एक्टिनाइड में सब होते हैं। एक्टिनाइड में सब होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव का नाम याद रखना। यूरेनियम किस में आता है? लेंथेनाइड में, एक्टिनाइड में? लेंथेनाइड में आएगा, एक्टिनाइड में आएगा? एक्टिनाइड में। थोरियम एक्टिनाइड। तो अल्फा बीटा गामा करके पढ़ाया था फंडामेंटल में। तो ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट अगर एक 1.5 के बराबर था रेडियो एक्टिव हो जाएगा, नहीं। मतलब ये एक कंसेप्ट मान लिया गया है कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जितना अगर ये अप्रोक्स 1 आएगा तो स्टेबल माना जाएगा, 1.5 के आसपास आता है तो अनस्टेबल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर किसने सबसे पहले बताया था? मोसले ने। तो पहले लिख लो एटॉमिक नंबर, केवल बस डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये सब हम फंडामेंटल में ऑलरेडी जानते हैं। एटॉमिक नंबर इसमें लिख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मोसले, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मोसले। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मोसले बाई बम्बार्डमेंट ऑफ एक्सरे ऑन एलिमेंट, बाई बम्बार्डमेंट ऑफ एक्सरे, बाई बम्बार्डमेंट ऑफ एक्सरे ऑन एलिमेंट, बाई बम्बार्डमेंट ऑफ एक्सरे ऑन एलिमेंट एंड कैलकुलेट, एंड कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन, एंड कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एटॉमिक नंबर जेड, एंड एटॉमिक नंबर जेड। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। मोसले ने एक इक्वेशन दिया था, उसने एलिमेंट को लिया और एलिमेंट को लेने के बाद उसमें एक्सरे पास करवाया। एक्सरे पास करवाने के बाद उसके फ्रीक्वेंसी में और जेड में एक रिलेशन निकाला। तो हमें डायरेक्ट रिलेशन पढ़ना, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो डायरेक्ट रिलेशन हमें पढ़ना है। तो हम लिखेंगे न्यू इक्वल टू क्या होता है? ए जेड माइनस बी रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है।
और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना होता था उससे मोस्टली क्या कर रहा था, एक्सरे पास करवा रहा था, उसका फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा था, फिर ए और बी का वैल्यू पुट कर रहा था, जेड हमें निकल जा रहा था, क्योंकि इसमें अननोन कितना है, 1, 2, 3, 4 ए और बी का वैल्यू हमें दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये मोस्टली का इक्वेशन है, ठीक है। अब इस पे मान लो क्वेश्चन आएगा तो पहले तुम एक ग्राफ बनाओ, क्योंकि अवस्थी में इसके ऊपर एक ग्राफ है। अब तुम एक ग्राफ बनाओ रूट अंडर फ्रीक्वेंसी में, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी में और जेड में, एटॉमिक नंबर में एक ग्राफ बनाओ। पहले तुम ग्राफ बनाओ क्योंकि एक बार मैं बना चुका हूं। हाँ, तो इक्वेशन ड्रॉ करो इसका और एक ग्राफ बनाओ, दोनों में ग्राफ क्या आएगा और लाइन कहां से पास होगा, स्लोप क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, यह सब पता करो। इक्वेशन क्या है हमारे लिए, हाँ तो बना के देखो, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी ए जेड माइनस बी, किसके बीच में ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है और यहां पर जेड है। अब ग्राफ बनाओ, सेट करो इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। अब तो फिर से पढ़ लिए होगे ग्राफ वगैरह, इस पे सेट करो इसको। ये सेट करने के बाद फिर अवस्थी निकालो, ये ग्राफ पहले सेट कर लो, इसके बाद अवस्थी निकालो, एक क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे ग्राफ बनाओगे, वाई की जगह पे लाओगे और एक्स क्या है, जेड है, उस टर्म में चेंज करो उसको, उस टर्म में उसको चेंज करो, y एक्सिस पे लाना है और z एक्सिस पे, x एक्सिस पे z को लाना है, तो वैसे इसको सेट करो। कैसे सेट करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, z a हो गया और माइनस क्या हो गया, a b हो गया। तो ये क्या है, हो गया हमारे लिए y इक्वल टू, यहां एम एक्स है, ए को पहले लिखते हैं जेड को बाद में लिखते हैं, तो ये एम हो गया और ये एक्स हो गया, हमने सेट कर दिया उसको ऐसे, तो ये वाई हो गया और ये एम एक्स हो गया, प्लस सी है लेकिन यहां पर क्या है, माइनस सी है, तो माइनस सी का मतलब क्या हुआ, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, यानी वाई इंटरसेप्ट हमें ये चुनना होगा क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो c इक्वल टू, या यहां प्लस से लिखते हैं, तो c इक्वल टू आ गया माइनस ए बी। तो हम सबसे पहले इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, y इंटरसेप्ट जो कि c है, y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट निगेटिव है, ये हमें बात मालूम चल गया कि y इंटरसेप्ट निगेटिव है, यानी लाइन का पॉइंट कहीं यहां से स्टार्ट होगा। अभी हम कहां जाएंगे वो हमें नहीं मालूम है, अब हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, अभी हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन y इंटरसेप्ट हमें मालूम चल गया कि y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, तो y इंटरसेप्ट हमें मालूम चल गया। अब हमें लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो स्लोप बताएगा। अब यहां पर स्लोप क्या है, स्लोप a है, स्लोप क्या है, a है, तो यहां पर a इक्वल टू, यानी m इक्वल टू, m क्या बोलता है, स्लोप, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू स्लोप, और उसका वैल्यू m से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है, a, a बोले तो वैल्यू ये आएगा क्या, पॉजिटिव, ये निगेटिव नहीं लेंगे हम, यानी स्लोप हमारा आ गया पॉजिटिव, यानी हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, अब हमें पॉजिटिव स्लोप लेना है, तो पॉजिटिव स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप ये होगा, मालूम है, निगेटिव स्लोप ऐसे होता है, अगर हम नीचे जाएंगे तो निगेटिव स्लोप आ जाएगा, तो हमारा पॉजिटिव स्लोप ये आएगा, तो हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, समझ में आ गया। तो y इंटरसेप्ट क्लियर हो गया,
और स्लोप क्लियर हो गया, स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव। अच्छा वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, ए बी है। माइनस नहीं लिखेंगे, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन माइनस में ही है, तो वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू ए बी है। स्लोप का वैल्यू कितना है, स्लोप इक्वल टू ए, और ए का वैल्यू कितना है नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर टेन। यानी यहां पर अगर थीटा का वैल्यू दे दिया जाए, थीटा का वैल्यू दे दिया जाए तो हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया क्या, तो पहले इसको देख लो इसके बाद हम बात करते हैं आगे, कोई डाउट है तो बोलो, फिर आगे न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम, क्योंकि एटॉमिक नंबर पढ़ने का मतलब केवल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले इसको देख लो, स्लोप कहां से आया, वाई इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप का वैल्यू टेन थीटा होता है, ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे टेन थीटा से, यहां पर थीटा दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, जब ए निकल जाएगा तो ए बी का मल्टीप्लाई दिया होगा तो बी निकाल देंगे, हाँ सी का वैल्यू दिया होगा तो सी का वैल्यू दिया होगा, वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा, तो ए निकल जाएगा तो बी निकल जाएगा, तो बी निकल जाएगा तो ए और बी तो हमें ग्राफ से मिल गया। अब बाकी रहा जेड और फ्रीक्वेंसी, तो ये देगा तो ये पूछ लेगा और ये देगा तो ये पूछ लेगा। ए और बी का हम, ए का मतलब क्या हुआ टेन थीटा, याद रखना ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे टेन थीटा से, क्योंकि वो स्लोप है। अच्छा बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जब ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तब बी के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी के वैल्यू से, तो हम पता करेंगे उसका वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू निकालना है, और यहां पर अगर थीटा दे रखा है तो इस टेन थीटा के वजह से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, और ab का वैल्यू निकालना है तो ab इक्वल टू हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, तो हम a और b का वैल्यू ग्राफ से ही निकाल लेंगे। ठीक है, या ग्राफ नहीं भी बनाया होगा तो टेन थीटा दिया होगा, बिना टेन थीटा का हम वैल्यू a नहीं निकाल पाएंगे, और a निकल जाएगा तो b भी निकल जाएगा क्योंकि b में y इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तो यहां से हमें a और b मिल जाएगा। बाकी रहा फ्रीक्वेंसी और z, दो अननोन मिलेगा, तो ये दे देगा और ये क्वेश्चन में पूछेगा, या ये दे देगा ये क्वेश्चन में पूछेगा, तो इसको राइट डाउन कर लो फिर हम एटॉमिक नंबर का सेकंड पॉइंट ये है। मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, सेकेंड पॉइंट था ना, क्या बोला था मैंने, एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड बाय मोस्ले बाय बोमामेंट ऑफ एक्सरे ऑन एलिमेंट एंड कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, और ये मोस्ले का इक्वेशन है, ए स्लोप है टेन थीटा और ए बी क्या है वाई इंटरसेप्ट है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये जेड एटॉमिक नंबर है, ये बार बार एक्सपेरिमेंट करके वो इसी को कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, ये लिख लिए ना, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक न्यूमेरिकल्स करवाया था, फिर से एक न्यूमेरिकल्स वही करवाते हैं। चलो देना होगा, क्वेश्चन लिखो, अवस्थी में लेवल वन में, लेवल वन में है कि टू में है, अवस्थी में लेवल टू में 27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर ग्राफ बना के लिखा हुआ है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है और यहां जेड लिखा हुआ है, ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया है, यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है,
यहां ओ लिखा हुआ है, यहां एक्स लिखा हुआ है, यहां जेड है, ठीक है। और लिखा है कि ओ एक्स इक्वल टू माइनस वन है, मतलब वाई इंटरसेप्ट निगेटिव बता रहा है, ओ एक्स इक्वल टू माइनस वन है, ठीक है। और जेड इक्वल टू 51 है, जेड इक्वल टू 51 है, तो न्यू का वैल्यू क्या होगा? हाँ, न्यू का वैल्यू क्या होगा? इक्वेशन बनाओ आप, ओएक्स का वैल्यू माइनस वन है और जेड का वैल्यू 51 है, तो न्यू का वैल्यू क्या होगा? तो हम लिख देंगे रूट अंडर न्यू इक्वल टू ए जेड